नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है खबर असरदार का। लोकसभा से पहले राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोनिया गांधी ने भी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी या फिर अमेठी की तरह रायबरेली में भी बीजेपी कब्जा करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेठी क्या सुनने में आए, रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। अमेठी और रायबरेली से उनका पारिवारिक रिश्ता है, घर का रिश्ता है। इलाके में मिजाज ऐसा है कि गांधी खानदान को हराया जाए, गांधी खानदान से मुक्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को ध्वस्त करने की तैयारी है। कांग्रेस की एकमात्र बची सीट पर भगवा लहराने की बारी है। इतिहास को खत्म करने की जिम्मेदारी है जो अब तय हो चुकी है। पहले अमेठी में राहुल गांधी को मात और अब सोनिया गांधी की सीट पर सेंधमारी की तैयारी, जिसकी भनक कांग्रेस को लग चुकी है। और माना जा रहा है कि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल रही है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा रही है। ऐसे में सभी के जेहन में सवाल है कि अब रायबरेली का क्या होगा। दरअसल नए उभरे हालातों में प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से दावेदारी पेश कर सकती हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सियासी संग्राम में उतर सकती हैं, जबकि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। सोनिया रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा है। प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, यानी कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट पर इस बार प्रियंका गांधी को मौका मिल सकता है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस यूपी से पलायन कर रही है। अमेठी से लड़ा, वहां से हार गए, अब सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के राज्यसभा जा रही है। अब तो पूरी कांग्रेस पलायन कर गई, आप सब जानते हो, पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। तो रायबरेली जीतेंगे आप अगर प्रियंका आती है? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। हम अपने 10 साल का काम का लेखा जोखा लेकर, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो जो काम किया उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट पर गांधी परिवार को मौका मिलेगा। पहली बार सोनिया गांधी 1999 में अमेठी से चुनाव लड़ी और जीती। फिर 2004 में राहुल गांधी के लिए उन्होंने सीट छोड़ दिया। फिर सोनिया रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीती। सोनिया गांधी रायबरेली से 5 बार जीती। अब 2024 में प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती है, यानी गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में आखिरी बची सीट को कब्जे में लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिससे अमेठी पार्ट 2 दोहराया ना जा सके। क्योंकि राहुल गांधी पिछले चुनाव में अमेठी सीट बचा नहीं सके थे, तो अब रायबरेली सीट पर संकट के बादल छाए हैं। निश्चित तौर से ये गांधी नेहरू परिवार का स्थान है, उनका जो परिवार का जो परंपरागत जो जगह है प्रयागराज इलाहाबाद, वहाँ से उनके परिवार की उत्पत्ति है। और अमेठी और रायबरेली से उनका पारिवारिक रिश्ता है, घर का रिश्ता है और पीढ़ियों का रिश्ता है। तो निश्चित तौर से वो घर की सीट है, वो परिवार के साथ रहेगी। निश्चित तौर से परिवार के लोग निश्चित वहाँ की जनता की सेवा लगातार करते हैं, सेवा करते रहेंगे। हाल तक इन दोनों सीटों को गांधी नेहरू परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन परिवार का एकाधिकार तब टूटा जब 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और कुछ ऐसी ही रणनीति एक बार फिर बीजेपी तैयार कर रही है, जिससे बचने के लिए अब गांधी परिवार को कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी ने महाराष्ट्र और गुजरात से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर से राज्यसभा जाएंगे। जेपी नड्डा को गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कल ही बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। तो अशोक चव्हाण ने कल ही कांग्रेस को अलविदा किया था, कहा था
और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। अब उन्हें बीजेपी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। इसके अलावा जेपी नड्डा फिर राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इनमें चार नेताओं के नाम है। पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित करते समय जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा है। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी के जीतने की उम्मीद है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राज्यसभा के 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया है उसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री एल मुरुगन शामिल हैं। बीजेपी ने इनके अलावा 3 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। किसान नेता हमारे बंसीलाल गुर्जर जो प्रदेश के महामंत्री रहे, नीचे से आए हैं। महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्ष माया नारोलिया जो बूथ अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के अंदर महिला मोर्चे की अध्यक्ष, नगर पालिका की अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच, ऐसे स्थानों पर जो रही हैं, आज उन्हें अवसर मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उमेश नाथ जी महाराज वाल्मीकि समाज के प्रमुख संत हैं, साथ में ही एल मुरुगन जी जो तमिलनाडु के हैं, तो तमिलनाडु को सशक्त बनाने का काम मध्य प्रदेश से भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव कराए जाने हैं। प्रदेश में विधायकों की संख्या बल के आधार पर बीजेपी 4 सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग का समय है और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना की जाएगी। पिछले लगभग 45 वर्षों से लगातार हम किसानों के बीच में काम कर रहे हैं और किसानों को सरकारों के एजेंडे में स्थान मिले, ये हमारे जीवन का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ग्राम पंचायत के पंच के चुनाव लड़कर मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और निरंतर उस पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने कब मुझे महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। दीदी वाले भी मैं खुद आश्चर्यचकित थी जब मुझे महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगणों का। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। पहले समझेंगे और उस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे मन वचन कर्म से। बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करते समय जाति और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा। पार्टी के 4 प्रत्याशियों में से 2 SC और 2 OBC वर्ग के उम्मीदवार हैं। इसमें बंसीलाल गुर्जर और उमेश नाथ महाराज मालवा क्षेत्र से आते हैं। शैलेंद्र भदौरिया के साथ पवन गौड़, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। MP में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। अशोक सिंह होंगे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार। 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं अशोक सिंह। 4 बार हालांकि हार मिली। दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं अशोक सिंह और MP से राज्यसभा वो अब जा रहे हैं। पहले कमलनाथ के नाम को लेकर चर्चा थी, लेकिन कमलनाथ नहीं जा रहे हैं बल्कि अशोक सिंह कांग्रेस से मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व तो आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी और मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि कार्यकर्ताओं के उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूँ। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन उन्होंने भरा है। विधानसभा पहुंचकर नामांकन भरा। सदन में 30 से अधिक प्रस्तावक मौजूद रहे। 27 फरवरी को होना है राज्यसभा का चुनाव। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर होना है चुनाव। तो
मीडिया से पता चला कि प्रत्याशी बनाए गए हैं बोल के, और बड़ा आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा इतना आगे पहुंचा देगी।